एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद जो है अपना ब्लॉगिंग चैनल फिर से शुरू की हूँ। एक्चुअली 5 महीने पहले मैंने अपना ब्लॉग दिया था, उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं दी हूँ, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। अब मैं फिर से ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। इस बीच में मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और SST का एग्ज़ाम भी फाइनल हुआ था, फिर घर भी मैं शिफ्ट की, तो इन सब वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने ब्रेक ही ले लिया। मतलब कि चलो कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ, तो वो थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया। खैर कोई नहीं, अब मैं फिर से स्टार्ट की हूँ। तो जब मैं सुबह उठी, आज संडे की है सुबह, तो उठी तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है। इतना अच्छा लगा कि सुबह उठते ही जब बारिश देखो ना, बहुत अच्छा लगा। ये मुंबई की हमारी पहली बारिश है, तो बस चाय का प्याला लिया और बैठ गई अपना बारिश का एंजॉय करने के लिए। आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाओ, काफ़ी टाइम हो भी गए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आज पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस मैंने शुरू कर दिया है पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाना। तो इसके लिए मैंने पहले पूरी में बना रही हूँ, उसके लिए मैंने आटा लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, नमक स्वाद अनुसार ही लीजिए। उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स, से भी स्वाद बहुत अच्छा जाता है पूरी का। अब मैं डाल रही हूँ उसमें 1 से 2 चम्मच घी। घी का मोयन पूरी में ना बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा पूरी का जो है आटा होता है ना वो थोड़ा सख्त ही गूंथना चाहिए, तो मैं थोड़ा गर्म पानी लेके थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा जो है थोड़ा सा सख्त गूंथ ली हूँ। मतलब कि थोड़ा सा सख्त, मतलब नॉर्मल आटा से थोड़ा ज़्यादा। अब हाथ में मैंने मोयन लगा के मैं इसको थोड़ा सा चिकना कर ली हूँ और इसको फिर मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख देती हूँ। इधर मैं चलिए सब्जी तैयार करती हूँ। तो सब्जी के लिए मैंने आलू जो है हमेशा मैं फ्रिज में बॉईल करके रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कोई गेस्ट आ जाए तो आप आलू अगर बॉईल रहता है ना तो उसमें कुछ भी आप ऐसा डिश बना सकते हो, क्योंकि बॉईल आलू का बहुत सारा झटपट डिश बन जाती है, तो मैं हमेशा मैं बॉईल करके रखती हूँ। तो इसलिए मैं इसमें से कुछ ज़्यादा तो नहीं लूँगी, कुछ आलू लूँगी, इतने सारे आलू तो मैं नहीं लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक, मिर्ची और लहसुन, इन तीनों का मैं जो कूट के मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और अदरक और मिर्ची का जो है सो मैं छोटे छोटे पीसेस काटूंगी, बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं कटना है, लेकिन थोड़ा सा काटना है ताकि कूटने में जो है सो आसान हो जाता है। तो बस ये मैंने काट के इसमें रख दिया है और इसे मैं कूटूंगी, पर ऐसे नहीं, इसमें पहले मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक डाल के कूटने से क्या होता है ना कि वो जल्दी से कूटा जाता है अदरक लहसुन, और वो बाहर भी नहीं उछलता है। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं कूट ली हूँ और ये देखिए पेस्ट जो है हमारा बन गया है, बहुत जल्दी कूटा जाता है। तो बस अब इसमें इसको प्लेट में मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इधर जो है कढ़ाई जो है गर्म करती हूँ और मैं उसमें थोड़ा घी डालती हूँ, मतलब 1 से 2 चम्मच जो है सो मैं इसमें घी डाल रही हूँ। इसमें 2 तेज़पत्ता मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पंचफोरन डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। थोड़ी सी चटक आ जाए तो इसमें जो कूटी हुई मिर्ची और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं इसमें थोड़ा डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ। लाल मिर्च भी जितना तीखा आप चाहते हो उतना तीखा आप बना सकते हो इसमें, मतलब इतना तीखा आप डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और इन तीनों को थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी। उसके बाद जो बॉयल आलू है वो मैं डालूँगी। बॉयल आलू को मैंने हाथों से ही थोड़ा सा मैश कर लिया है, इससे इसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इन सबको मैं थोड़ी देर भूनूंगी और ढक दूँगी। ढक के थोड़ी देर भूनने से क्या होता है इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और मसाला डालूंगी। तो अब सबसे पहले जो है सो मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। तो गरम मसाला जो है मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच जो है गरम मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद जो है मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी 1 ही चम्मच मैंने डाला है। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ छोले मसाले, छोले मसाले से ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने छोले मसाले डाले हैं और उसके बाद थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, तो इससे भी स्वाद जो है इसका बहुत अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा खट्टापन आता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी जो है मैंने क्रश करके डाला है। अब इन सबको फिर से थोड़ी देर में भूनूंगी ढक के। उसके बाद आप देखिएगा इसका जो फ्लेवर है, इसका जो स्वाद है, इतना अच्छा आया था। आप एक बार ज़रूर पका के देखिएगा, बना के देखिएगा,
बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी नमक थोड़ा सा उसमें डाला था जब मैं अदरक और लहसुन में कूट रही थी, तो उस पर भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए ध्यान से इसमें ज़्यादा मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा ही और डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मैंने डाला है, थोड़ा मैं जो इसकी ग्रेवी है मैं थिक ही रखूँगी, तो बस ये थोड़ी देर में ढक के पकाऊँगी और ये जो है हमारा आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। बहुत ही इसकी जो है स्वाद मैं क्या बताऊँ, सच में बहुत अच्छा बना था, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ। और ये देखिए हमारा जो आलू की सब्ज़ी है सो वो तैयार हो गई है, तो चलिए अब इसकी जो है प्लेटिंग कर लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई थी अब ट्रेनिंग के लिए, तो बस बेडरूम में आ गई। बेडरूम को मैं सुबह उठते ही थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ थोड़ा बहुत, तो इसलिए ज़्यादा बेड ठीक करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो है डस्ट वगैरह है वो डेली ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन भी ना करो क्लीन ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, तो बस अब मैं वही कर रही हूँ। आज मैं अपना फ्रिज भी क्लीन कर रही हूँ, तो ये देखिए मैंने फ्रिज से सारा सामान जो है बाहर निकाल के रख दिया है और फ्रिज को अंदर से पूरी तरह से मैंने खाली कर लिया है। नीचे का तो मैंने पूरा खाली कर लिया है, आप देख सकते हो, अभी ऊपर का बाकी है, तो चलिए मैं ऊपर भी जो है सो खाली कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा ऊपर में मैं काफ़ी सामान रखी हुई हूँ, एक्चुअली मैं फ्रोज़न के आइटम भी बहुत ज़्यादा रखती हूँ, तो जैसे कि नमकीन वगैरह हो गया, बेसन हो गया और मटर हो गया, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो चलिए पहले इसे मैं खाली कर लूँ। तो ये देखिए मैंने पूरे खाली कर दिया है अच्छे से, आप देख सकते हो, वो खाली करके मैंने साफ भी कर दिया है। और इसमें मैंने बर्फ़ जमा के रखी हूँ मैं, एक्चुअली बर्फ़ जो है सो मैं इसलिए जमाती हूँ क्योंकि मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं, और हमारे घर में कोई नहीं फ्रिज का पानी पीता, पर कभी कभी क्या होता है कि गेस्ट आते हैं उन्हें ठंडा पानी चाहिए होता है, तो बस इसलिए मैं एक्स्ट्रा बर्फ़ जमा के रखती हूँ कि जब गेस्ट आए तो उनको कोई ऐसी दिक्कत ना हो, बस ये पानी जो है पानी में मैं बर्फ़ मिला के उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में अगर रखो ना पानी तो वो मतलब मेरी बेटी पी लेती है, फिर उसे बहुत सर्दी वर्दी हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फ्रिज तो मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं इसमें सारा जो है धीरे से अरेंज कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने अरेंज कर दिया है, और इस साइड में देखिए थोड़ा सा मैंने स्पेस जो है वो आगे के लिए मैंने छोड़ दिया है कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो यहाँ रखने की तो मुझे स्पेस मिल जाए। और ये देखिए इधर भी कितना क्लटर था, और ये देख सकते हो आप कि काफ़ी स्पेस इधर भी रह गया है। और ये देखिए मैंने नीचे भी पूरे अरेंज कर दिया है, पूरे अच्छे से साफ़ करके मैंने सारा सामान जो है सो इसमें रख दिया है, आप देख सकते हो।
बीच बीच में फ्रिज जो है ना उसे हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए, नहीं तो फ्रिज भर जाता है। वैसे मेरी आदत है कि मैं फ्रिज में बहुत सामान रखती हूँ। तो अभी देखिए रात के समय है और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एक्चुअली मुझे डीमार्ट जाना था और मैं निकली थी डीमार्ट जाने के लिए, पर इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि डीमार्ट तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन ये देखिए यहाँ चाट के पास, मतलब चाट का जो स्टॉल लगा है यहाँ पे, इतने लोग यहाँ पे अभी भी, मतलब बारिश में लोग चाट खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो चलिए अभी बारिश का एंजॉय कीजिए, अब मिलती हूँ मैं आपके अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।